दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा ने अपना पूरा गुस्सा वहां रखी चेयर पर निकाल दिया। जी हां, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में 274 रन के टारगेट को चेज करने उतरी टीम इंडिया की बल्लेबाजी के 14वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की बॉल पर अपर कट लगाने की कोशिश में शुभमन गिल 26 रन के स्कोर पर डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन इस दौरान शुभमन गिल के इस गैर जिम्मेदाराना शॉट को खेलकर आउट हो जाने पर रोहित शर्मा इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में रखी चेयर को ही फेंक दिया।